हेलो गाइस, वेलकम बैक टू M&M कस्टम्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हैंडल बार इंडिकेटर्स को फिट किया जाता है। गाइस आइए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा प्रोडक्ट। ये गाइस मेरा है हैंडल बार इंडिकेटर, जिसे मैंने ऑनलाइन मंगाया है। कुछ इस तरीके से ये दिखता है, जिसके अंदर ऑरेंज कलर के LEDs लगे हुए हैं। गाइस जो सबसे पहला काम है वो है आपके स्विच पैनल्स को खोलना। मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड के स्विच पैनल्स को खोल रहा हूँ, जिसमें स्क्रूज लगे हुए होते हैं। गाइस जैसे ही आपके स्विच पैनल्स खुल जाएंगे, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो काम है वो आपको करना है हैंडल ग्रिप्स को निकालना। जो ग्रिप्स है गाइस लेफ्ट हैंड साइड के, वो इजीली बस स्लाइड करके ही निकल जाता है। गाइस जैसे ही आपका हैंडल बार ग्रिप निकल जाए, तो आप क्लच लीवर्स को ढीला कर दीजिए। गाइस अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट साइड की तरफ, जो है राइट साइड, जिसके मैंने स्विच पैनल्स ये खोल रहा हूँ मैं। गाइस इसका भी जो हैंडल बार ग्रिप है वो स्विच पैनल के साथ ही स्लाइड होके बाहर आ जाता है। उसके बाद गाइस जो आपका नेक्स्ट काम है वो आपके ब्रेक्स को खोलना, उसके बाद हैंडल बार्स को ढीला करके हैंडल बार्स को निकाल देना। गाइस ये जो बाइक है, ये है रॉयल इनफील्ड हिमालयन, जिसे मैं खोल रहा हूँ। गाइस हैंडल बार जब जैसे बाहर आ जाए, उसका नेक्स्ट काम है मार्किंग। गाइस ये जो तरीका है, ये मार्किंग का तरीका है, जिस जहाँ मैं होल करूँगा, ताकि जो हैंडल बार इंडिकेटर्स के जो वायर है वो बाहर आ सके। गाइस मेरे पास ड्रिल मशीन खुद का है, इसलिए मैं ड्रिल कर रहा हूँ खुद से घर पे ही। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है, तो आप किसी भी नज़दीकी वेल्डिंग शॉप पे चले जाएं, वहाँ पर आप हैंडल बार में होल करवा सकते हैं। गाइस ये दूसरी तरफ भी मैं होल कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस जो आपको जो नेक्स्ट चीज़ चाहिए वो है गाइड वायर। कुछ इस तरह का गाइड वायर आपको चाहिए, जो कि थोड़ा सा मोटा हो। गाइस इसे एक तरफ से होल पे डाल दीजिए, और दूसरे एंड पे आप हैंडल बार इंडिकेटर्स के वायर को डाल दीजिए। और ये जो होल है, यहाँ से आप उस गाइड वायर को निकालना है प्लकर के थ्रू। गाइस मेरे पास प्लकर नहीं है, इसलिए मैं ये पिन से निकाल रहा हूँ। जैसे ही ये निकल जाता है गाइस, उसके साथ साथ ही पीछे तरफ से आपका जो हैंडल बार इंडिकेटर का वायर है वो भी निकल जाएगा। उसके बाद गाइस ये जो दोनों तरफ के तार लग गए, मैं हैंडल बार लगा देता हूँ फिट। और ये जो तार है गाइस हैंडल बार इंडिकेटर के, उसे आप इंडिकेटर में फिट करना। तो ये रॉयल इनफील्ड में यहाँ पर इसका दिया हुआ है वायर्स। यहाँ पर गाइस अब मुझे खोजना है इंडिकेटर का सॉकेट। तो गाइस आइए मैं नीचे से हाथ डाल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें इंडिकेटर का सॉकेट कहाँ से मिलता है। गाइस ये देखिए, जो ग्रीन कलर का जो ये सॉकेट दिख रहा है, ये है इंडिकेटर का सॉकेट। इसे मैं आपको निकाल देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। गाइस ये जो आप क्लिप देख पा रहे हैं, ये इंडिकेटर के से निकला हुआ है। इसमें दो होल है, इसमें आप हैंडल बार इंडिकेटर्स के वायर को भी छील कर इसमें डाल दीजिए, कुछ इस तरीके से। जैसे ही ये आप इंडिकेटर के वायर्स को इसमें डाल देते हैं, वापस स्लाइड करके इससे आप वापस डाल दीजिए, और वापस उसके ऊपर का पैनल्स को ढक दीजिए। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आपका हैंडल बार इंडिकेटर जलने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो गया है। अब आप कुछ जो भी आपने किया है उसे आप वापस बंद कर दीजिए, और हैंडल बार इंडिकेटर को जला दीजिए। Mm-hmm.